2016 1 मई से शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसकी टारगेट पहले 5 करोड़ बाद में 8 करोड़ बढ़ाया गया था। पहले SECC लिस्ट में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जिन मित्रों की नाम है उन्हीं को ही उज्ज्वला योजना में लाभ मिलता था। बाद में जब उसकी सैंक्शन 8 करोड़ हुई तब कुछ एडिशनल कैटेगरी को बेनिफिशियरी के नाते जोड़ा गया और 7 कैटेगरी को जोड़ा गया था। ये सारे कनेक्शन अभी आज की तिथि तक 5,86,00,000 हो चुका है। 8 करोड़ की लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब इन दिनों में कई माननीय सांसद प्रधानमंत्री जी को मिले थे, सरकार की ओर से 2 जो महत्वपूर्ण अभियान ग्राम स्वराज अभियान हुई उसमें से जो ग्राउंड लेवल की ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पे गए थे उनकी फीडबैक आया, उसमें ध्यान में आया कि 2 ऐसे SECC लिस्ट और वो जो 7 पॉइंटर था हमारी सारे SC ST सारे अंत्योदय योजना की लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी, दियारा में, जंगल में, टी ट्राइब्स, अति पिछड़े, सारे कैटेगरी के अलाबाबिक एक बड़ा वर्ग वंचित हो जाता था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ लेने के लिए। आज कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया है इस कार्यक्रम को यूनिवर्सल करने के लिए। सारे गरीबों को जिनके वहाँ LPG कनेक्शन नहीं है वो दरखास्त करेंगे, उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। 14 बिंदु बनाया गया है, उनको कुछ ना कुछ आइडेंटिटी प्रूफ देनी पड़ेगी। उनकी LPG कनेक्शन उनके परिवार में नहीं है ऐसा एक एफिडेविट देना पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे 14 पॉइंट की एक एफिडेविट देने के बाद ऐसे जो वंचित लोग रह जाएंगे, यानी पहली बार भारत सरकार ने जो हमारी एक योजना रही है सबके साथ सबकी विकास, आज सही मायने में भारत के सारे घरों में, यानी सारे घरों में स्वच्छ ईंधन पहुँचे, ये आज के निर्णय के बाद हो पाएगा।